और साइबर अटैक के बायस मुल्क भर में चेक क्लियरेंस में मुश्किल। सिस्टम पर साइबर हमले को एक हफ्ते से ज्यादा गुजर गया। स्टेट बैंक ने जवाब तलब कर लिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अंजुम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये निफ्ट का सिस्टम है और ये तमाम बैंकों को ये सर्विस टेक्नोलॉजी की सर्विस फ्राहम करता है। तकरीबन एक हफ्ता कबल इस पर साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मुल्क भर में बैंकों का जो चेक क्लियरेंस का निजाम था ऑनलाइन वो मुतासर हुआ है। मुख्तलिफ निजी बैंकों का यही कहना था कि चेकों की क्लियरेंस की वजह से उनको मुश्किल का सामना है, मैनुअल तरीके से उनको चेक क्लियर कराने पड़े, जिसके लिए उनके पास अमला भी उस तरह की सहूलत के साथ नहीं है, जिसकी वजह से उनके काम में भी मुतासर हुए। स्टेट बैंक ने भी निफ्ट से वजाहत तलब कर ली है कि साइबर अटैक को एक हफ्ता हो चुका था, अभी तक ये तमाम निजाम बेहतर क्यों नहीं हो सका है। इस सिलसिले में निफ्ट से भी 12 रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई वादा नहीं। अंजुम, अब क्योंकि बकरीद भी बहुत करीब करीब है और ये मामलात उस वक्त हुए हैं कि जब बिल्कुल इवेंट करीब है, लोगों को चेक क्लियर होने हैं, कुछ की अमाउंट आनी है, किसी को वापस करनी है, तो ऐसे में फिर क्या करना है स्टेट बैंक ने? आपने एक ऑप्शन बताया कि मैनुअल हो, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है, कोई और तरीका तो इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने बताया। स्टेट बैंक से जो हमारी बात की, उन्होंने उधार तलब किया। उधार तलब करने से आपकी बात बिल्कुल सही है, लोगों की तनख्वाहें भी अभी अगले महीने की अगले हफ्ते अदा करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी अहकाम जारी किए हुए, और ये तकरीबन अब चेक के जरिए तमाम अकाउंट्स में तनख्वाह आती है और लोगों को मिलती है। अगर ये सूरत हाल ही तो लोगों को मुश्किल रहेगी, तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चेक क्लियरेंस में अगर ये मसाइल सामने रहे और अभी तक निफ्ट ने अगर ये अपना सिस्टम दुरुस्त ना किया, साइबर अटैक का बना, वहां इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।